हेलो एवरीवन, एनिमेशन एग्रीगेट के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कैनन मॉडल करने वाले हैं और ये एक बेसिक मॉडलिंग असाइनमेंट रहेगा। इसमें हम मॉडलिंग टूल्स के बारे में डिस्कशंस करेंगे एंड सिर्फ मॉडलिंग टूल्स ही नहीं तो यहाँ पर हम डिफॉर्मर्स के बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि ये जो इसका शेप है, मेन शेप जो कैनन का है, इसे अगर हम देखते हैं तो ये थोड़ा सा आर्क में है। ओके, ये स्ट्रेट नहीं है और इस शेप को हम किस तरह से डिफॉर्मर की हेल्प से मॉडल कर सकते हैं इसके बारे में। ओके, सो क्विक यहाँ पर एक न्यू सीन हम क्रिएट कर लेते हैं, इसे डोंट सेव करते हैं एंड यहाँ पर हम देखते हैं ना, तो ये रहा रेफरेंस इमेज, इसे मैं फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर इसके शेप्स को हम देखते हैं तो इसका ये जो बेस है, मेन कैनन का जो शेप है, वो दरअसल सिलेंड्रिकल शेप है। ओके, एंड सिलेंड्रिकल शेप को यहाँ पे पीछे से राउंड कॉर्नर से राउंड कैप है। ओके, सो यहाँ पे मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ और क्विकली एक सिलेंड्रिकल शेप क्रिएट कर लेता हूँ। पहले तो मुझे इसे रोटेट करना होगा क्योंकि ये स्ट्रेट है। ओके, सो मैं कीबोर्ड पर ई प्रेस कर रहा हूँ टू रोटेट एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो मेरा रोटेशन का गिज्मो है ये थोड़ा सा बड़ा है, तो अगर मैं कीबोर्ड पे माइनस का बटन प्रेस करता हूँ तो ये जो साइज है ये कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कम कर रहे तो बहुत ही ज़्यादा कम हो जा रहा है, तो मैं इसको जितना है उतना ही रख रहा हूँ एंड कीबोर्ड पर जे प्रेस करके मैं इसे रोटेट कर लेता हूँ। ओके, अब मुझे इसे स्केल करना होगा तो क्विकली इसको स्केल कर लेंगे एंड अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं ना, तो हमें वो राउंड शेप चाहिए, तो उसके लिए ना सिलेंडर में एक ऑप्शन होता है, वो होता है राउंड कैप। इसको अगर मैं ऑन कर लूँ तो हमें यहाँ पे कुछ एक शेप मिल जाएगा और यहाँ पे अगर मैं कैप्स में सब डिविजन्स ऐड कर दूँ तो ये हमें कैप्सूल शेप मिल जाएगा। ओके, सो ये शेप दरअसल हमें हेल्प करेगा एंड यहाँ पे जो सब डिविजन एक्सिस है, मैं बेसिक 8 पे काम करूँगा, ज़्यादा हाई पॉलीगोनल ऑब्जेक्ट में हम नहीं जाएंगे। अब जो फ्रंट के फेसेस है, वो फेसेस तो ऑब्वियसली हमें ओपन चाहिए, तो मैं इन्हें डिलीट कर देता हूँ। और ये जो पीछे के फेसेस है, इन फेसेस को अगर हम इन वर्टाइसेस को अगर हम पकड़ के मूव कर ले इनसाइड में, साइड व्यू में आ जाता हूँ क्विकली एंड अगर इन्हें हम थोड़ा सा मूव कर ले तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये फेसेस हमें कुछ इस तरह से चाहिए। तो मैं ऑब्जेक्ट मोड में आ गया और इसे हमने सेट कर लिया है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ हमें ध्यान में रखनी होगी, ये जो शेप है ये पीछे से बड़ा है और सामने से नैरो होते हुए जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो डिविजन्स डाल देता हूँ, तो मैं एज को सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमने इनिशियली इसमें किसी भी तरह के डिविजन्स नहीं डाले थे इसके इसमें, सो उस वजह से हमें यहाँ पे अब मैन्युअली डिविजन्स डालने पड़ेंगे। आइदर हम इंसर्ट एलियोप टूल यूज़ कर सकते हैं या फिर अगर मैं इस एज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एज रिंग यूटिलिटीज़ का ऑप्शन आता है और यहाँ पे अगर मैं टू एज रिंग एंड स्प्लिट कर दूँ तो यहाँ पे मुझे एक डिविजन मिल जाएगा। ये सेम एज इंसर्ट एलियोप टूल है, जस्ट यहाँ पे अगर मैं पॉली स्प्लिटरिंग के ऑप्शंस में आ जाता हूँ तो यहाँ पे देखो स्प्लिट टाइप है। ये स्प्लिट टाइप को अगर मैं रिलेटिव के जगह मल्टी कर दूँ और यहाँ पे मैं सब डिविजन्स को बढ़ा लूँ, 3 डिविजन्स अगर मैं कर लेता हूँ तो यहाँ पे हमें कुछ डिविजन्स मिल जाएंगे। ओके, या फिर 2 ही रखते हैं, ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे एंड अब मुझे वो जो शेप है वो शेप क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आइदर हम मैन्युअली इसको स्केल कर सकते हैं या फिर अगर मैं डिफॉर्म में आ जाता हूँ तो डिफॉर्म में एक ऑप्शन होता है जिसे हम कहते हैं लैटिस। ओके, तो अगर हम लैटिस क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे एक बाउंडिंग बॉक्स क्रिएट हो गया। ओके, और यहाँ पे देखो हमें सब डिविजन्स मिल रहे एस टी एंड यू। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 5 टी डिविजन्स है, तो मुझे और ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सेंटर में चाहिए तो आप सेंटर से भी इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको साइड से चाहिए तो आप साइड से भी डिविजन्स को बढ़ा सकते हैं एंड यहाँ पे भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं 5 डिविजन्स रख रहा हूँ। साइड व्यू में आ जाता हूँ, राइट क्लिक करेंगे इस बाउंडिंग बॉक्स पे एंड यहाँ पे लैटिस पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लेंगे। अब मुझे ये बात पता है कि ये जो सेक्शन है ये बड़ा होगा, है ना। अब कितना बड़ा होगा वो तो हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसको मैन्युअली पहले स्केल कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि हमें ये कितना बड़ा चाहिए। ओके, सो कुछ इस तरह से मैंने इसको स्केल कर लिया है।
एंड अब अगर आपको ये बाउंडिंग बॉक्स यहाँ से रिमूव करना है तो आपको सिंपली ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा और एडिट में आके इसकी अगर हम हिस्ट्री डिलीट कर देते हैं तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये एक शेप है, मैं 3 प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड पे, तो यहाँ अगर हम देखते हैं ना तो ये बेसिक सा शेप तो मुझे मिल रहा है, लेकिन अगर मैं वर्टाइसेस में आके इन वर्टाइसेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे ये थोड़े से और स्केल करनी, तो मैं अगर इनको स्केल कर लूँ, ओके, और मैं इसको भी थोड़ा सा स्केल कर लूँ, ज़्यादा स्केल नहीं कर रहा हूँ मैं, बस थोड़ा हल्का, ओके, सो वो जो फील है वो मुझे क्रिएट करना है, और मैं इस इन लास्ट कैप्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ और उन्हें आखिरी में स्केल कर लेता हूँ। तो अब अगर हम देखते हैं ना तो हमारे पास ये एक बेसिक सा ऑब्जेक्ट है, मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो मैंने इसको इनसाइड स्केल कर लिया, ओके, सो ओके, सो यहाँ पे हमने इस शेप को क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे ऑब्वियसली हमें इसमें थिकनेस देना होगा, तो मैं ऑब्जेक्ट मोड में आ जाता हूँ, ऑब्जेक्ट मोड में आके मैं 1 प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड पे, एंड यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आइदर हम एडिट मेश में आके एक्सट्रूड कर सकते हैं, या फिर कीबोर्ड पे कंट्रोल ई प्रेस कर सकते हैं, या फिर अगर इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मैं शिफ्ट राइट क्लिक करता हूँ तो हमें एक्सट्रूड मिलेगा, ओके, डिपेंड करता है कि आप किस वे में इसे यूज़ करते हो, है ना। सो यहाँ पे मैंने इसे एक्सट्रूड कर लिया और यहाँ मैं हल्का सा थिकनेस ऐड कर रहा हूँ, ओके, सो थिकनेस पे ध्यान देना होगा क्योंकि बात ऐसी हो जाती है कि कैनन थोड़ा सा थिक होता है, अदरवाइज जब इससे फायर होगा तो ये ब्रेक होने के चांसेस होते हैं, ओके, सो इसका जो मटेरियल है वो हेवी एंड थिक होता है। सो यहाँ पे हमने इसको कुछ ऐसा इतना थिकनेस रखा है, मैं ऑब्जेक्ट मोड में आता हूँ एंड यहाँ पे मुझे सबसे पहले तो इन एजेस को बेवल कर लेना है। अब हमेशा ऑब्वियसली हमें होल्ड करना है तो बेवल लगेगा ही, लेकिन कई बार क्या होता है, मैं बिगिनर्स को देखता हूँ कि वो है ना कॉर्नर्स को होल्ड नहीं करते, यहाँ पे तो ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं तो जो चीज़ हमें शार्प मॉडल करनी है, लाइक अगर हम सॉर्ड की बात करते हैं, नाइफ की बात करते हैं, रेजर्स की बात करते हैं, तो वो शार्प है, ओके, उससे हमें कट करना है, लेकिन अदर देन दैट अगर आप कुछ भी देखते हो, जैसे अगर आप कोई वॉल देख रहे हो, उसका कॉर्नर देखते हो, वहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा राउंडेड ही दिखेगा, ओके, या फिर अगर आप टेबल देख रहे हो तो टेबल के जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा हल्का सा राउंडेड ही दिखेगा, स्मूथनेस दिखेगा, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा शार्पनेस होती है, और बिगिनर्स यूजुअली ये मिस्टेक्स करते ही है कि वहाँ पे वो बेवल नहीं देते और उसे वैसे ही सेव कर लेते हैं या फिर वैसे ही हैंड ओवर करते हैं, तो ये गलती नहीं करनी, हमेशा ध्यान में रखो कि यहाँ पे हमें कॉर्नर्स को स्मूथ करना है, आर्क करना है। यहाँ पे अगर मैं इंसर्ट एज लूप टूल देके होल्ड कर लूँ इमेज को तो भी जो फील है वो डिफरेंट रहेगा, और मुझे यहाँ पे एक्चुअली स्मूथनेस चाहिए, एक 45 डिग्री का एंगल चाहिए यहाँ पे ताकि ये स्मूथ हो जाए कॉर्नर्स, ओके, सो ऐसे सिचुएशन में हम बेवल करते हैं, ओके, एडिट मेश में यहाँ पे कंट्रोल बी कीबोर्ड का शॉर्टकट है, या फिर अगर आप पॉली मॉडलिंग के शेल्फ में हो तो यहाँ पे देखो ये बटन है बेवल के लिए, तो यहाँ पर देखो हमने बेवल कर लिया, इसके फ्रैक्शन को मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूँ और इसमें एक सेगमेंट ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर अगर अब हम स्मूथ करेंगे इस ऑब्जेक्ट को तो यहाँ हमारे पास इसको होल्ड करने के लिए प्रॉपर सरफेस है, ओके, सो नेक्स्ट, अब यहाँ पे मुझे कुछ ये रिंग्स क्रिएट करनी है, ओके, सो इंसर्ट एज लूप टूल ले रहा हूँ मैं क्विक, और यहाँ पे मैं एक एज दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक एज दे रहा हूँ, ओके, देन अप्रॉक्सीमेटली कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम यहीं पे करेंगे, तो एक एज मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है, एंड एक एज मैं पीछे दे रहा हूँ, ओके, कुछ यहाँ पे, और इन फेसेस को अगर अब मैं सिलेक्ट कर लूँ, ठीक है, मैंने फर्स्ट फेस सिलेक्ट किया है और मैं शिफ्ट क्लिक कर रहा हूँ डबल क्लिक उसके साइड वाले फेस पे, तो वो कंप्लीट लूप सिलेक्ट कर लेगा, सेम चीज़ यहाँ पे एक को सिलेक्ट करके दूसरे पे डबल क्लिक करो तो वो कंप्लीट यहाँ पे रिंग सिलेक्ट कर लेगा। अब ऑब्वियसली मुझे इसे एक्सट्रूड करना है तो मैं इसको क्विकली एक्सट्रूड कर लेता हूँ इन फेसेस को शिफ्ट राइट क्लिक करके, इसको मुझे थिकनेस देना है, ओके, अब थिकनेस देते वक्त है ना अगर मैं नॉर्मली इसको मूव करता हूँ ये बहुत फास्ट मूव होता है, तो ऐसे सिचुएशंस में ना अगर आप कीबोर्ड पे आपको कोई भी चैनल मूव करना है तो अगर आप उसको सिलेक्ट कर लेते हो और कीबोर्ड पे कंट्रोल प्रेस करते हो एंड लेफ्ट माउस बटन से
ड्रैग करना स्टार्ट करते हो, तो वो बिल्कुल पॉइंट्स में, पॉइंट वन पॉइंट टू के हिसाब से वहाँ पे देखो इंक्रीज होता है, बहुत ज़्यादा रैंडम नहीं पड़ेगा। अगर मैं ऐसे नहीं करता हूँ तो वो बहुत रैंडमली पड़ेगा, और अगर आपको फास्ट मूव करना है तो फिर शिफ्ट प्रेस करके करो तो वो सब बहुत और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। ओके, वो 1, 2, 3, 4 ऐसे वैल्यूज़ में जाता है, देखो 2, 4, 6, तो यहाँ पे जो इंक्रीमेंट है वो आपको क्लियरली पता चल जाएगा। सो यहाँ पे मैं कंट्रोल प्रेस करके इसे थोड़ा सा बाहर की तरफ मूव कर रहा हूँ, और मुझे इसको थोड़ा सा ऑफसाइड भी करना है ताकि ये राउंड हो जाए। ओके, ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे एंड ये जो कॉर्नर्स है, लाइन्स है, इन लाइन्स को हमें होल्ड करना है। ओके, इन्हें सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, एंड इसे मैं कर देता हूँ बेवल, एंड यहाँ अगेन हम इसको कर देंगे फ्रैक्शन कम, एंड इसमें दे देंगे एक सेगमेंट। ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे और यहाँ पे मैं 3 प्रेस कर रहा हूँ, तो यहाँ देखो ये हमने जो शेप है वो शेप को क्रिएट कर लिया है। अब हमारे पास कैनन का एक बेसिक शेप है, यहाँ मुझे एक और शेप, इसको फाइनलाइज कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे इसको एक ये भी देना पड़ेगा ना, जिससे हम फायर करने के लिए उसको लाइट करेंगे, बत्ती जिसको बोलते हैं हम हिंदी में। तो यहाँ पे मैं एक शेप क्रिएट कर रहा हूँ, अगेन क्रिएट में आते हैं, पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स में आते हैं और एक पाइप क्रिएट कर लेते हैं। ओके, और इस पाइप को मैं कर रहा हूँ मूव ऊपर की तरफ, इधर मूव करते हैं, इसको स्केल कर लेंगे थोड़ा सा, इसको मूव कर रहा हूँ मैं नीचे, साइड व्यू में आ जाता हूँ मैं क्विकली। मुझे इसको रोटेट करना होगा क्योंकि मुझे इसको यहाँ पर रखना है, ठीक है। तो मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ पहले मैन्युअली, इसको ऊपर की तरफ मूव करते हैं थोड़ा सा नीचे। ओके, एंड अब इसका शेप देखते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो गया। सो यहाँ पर क्विकली इसके इनपुट्स में आ जाएंगे, इनपुट्स में आके इसका जो थिकनेस है उसे मैं कम कर रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर इसके जो सबडिव्स है उसको भी मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा सबडिविजन्स की ज़रूरत नहीं है, हम इसको बाद में स्मूदी करने वाले। ओके, सो ये हो गए 8 सबडिविजन्स। एंड उसके बाद यहाँ पर मैं इसको एक सेकंड के लिए आइसोलेट कर लेता हूँ, क्योंकि ये जो नीचे के फेसेस है ना, इन्हें मुझे डिलीट करना है। तो मैं फेस में आऊँगा, उनको सिलेक्ट करूँगा और इनको डिलीट कर दूँगा। ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे, आइसोलेशन को कर देंगे बंद। एंड यहाँ पर अगर मैं इसको स्मूथ करता हूँ तो ये होल्ड नहीं होगा, तो ऐसे सिचुएशन में फिर हमें यहाँ पर इनको होल्ड करने के लिए बेवल कर देना होगा। ओके, सो मैं कंट्रोल बी प्रेस कर दूँ कीबोर्ड पर तो ये बेवल हो जाएगा। फ्रैक्शन को मैं थोड़ा सा रिड्यूस कर रहा हूँ एंड एक्सेप्टमेंट दे देता हूँ, ऑब्जेक्ट मोड एंड 3। तो ये प्रॉपरली यहाँ पे स्मूथ हो रहा है। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो शेप है ये बहुत बड़ा हो गया है, तो मैं इस शेप को थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे हमने इसको क्रिएट कर लिया है। अब सिंपली मुझे एक क्रिएट में आना है, कर्व टूल्स में आना है, सिविकर टूल लेना है। सिविकर टूल में मेक श्योर कि आप 3 क्यूबिक में, तो इसको रिसेट कर लो, साइड व्यू में आ जाओ एंड यहाँ से एक कर्व ड्रॉ कर लो। ओके, एंड यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो आप इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे मैंने ये कर्व ड्रॉ कर लिया है। अब मैं एक सिंपल से सिलेंड्रिकल शेप ले रहा हूँ, सिलेंड्रिकल शेप को मैं ऊपर की तरफ मूव करता हूँ एंड इसको इधर ले लेंगे, इसको मुझे स्केल करना होगा। साइड व्यू में आ जाते हैं, साइड व्यू में आके इसको मैं स्केल कर रहा हूँ, इसको रोटेट कर लेंगे, इसके फॉलो में इसको मूव करते हैं नीचे की तरफ, इसको अंदर ढकेल देंगे, इसको और थोड़ा सा रोटेट करना होगा हमें, ताकि ये और ये जो शेप है ये दोनों शेप फॉलो करें एक दूसरे। ओके, इसको मैं थोड़ा सा सेंटर पिवट कर लेंगे पहले एंड इसको मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कर्व है और यहाँ पे हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप भी है। अगर इस सिलेंड्रिकल शेप को सिलेक्ट करके मैं क्विकली इसको 8 डिविजन्स कर दूँ एंड इसके जो कैप्स है उन्हें अगर मैं बंद कर दूँ, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ही ऐसा शेप है। इसे सिलेक्ट करेंगे इसके फेस को, ओके, और इसके कर्व को सिलेक्ट करेंगे और एक्सट्रूड कर लेंगे शिफ्ट राइट क्लिक करके। अब कर्व सिलेक्ट करने की वजह से क्या होगा, ये जो हमारा फेस है ये अलॉन्ग विथ कर्व
एक्सट्रूड में ऑप्शन होता है, अगर मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे होता है ये देखो कर्व सेटिंग एंड कर्व होता है सिलेक्टेड कर्व, तो ये इसके साथ ही एक्सट्रूड होगा। ओके सो अगर मैं एक्सट्रूड करूँ तो ये यहाँ से यहाँ तक एक्सट्रूड हो चुका है, लेकिन इसके बीच में डिविजन्स नहीं है तो ये स्ट्रेट आ गया। तो पहले तो आप इसमें डिविजन्स ऐड कर दो। ओके सो कितने डिविजन्स आपको चाहिए वो आप डिफाइन कर लो। तो यहाँ पे आपको ये एक शेप मिल गया। अब दूसरी चीज़, ये जो है ना ये स्टार्ट से लेकर एंड पे जब हम देखते हैं ना तो ये छोटा होता जाता है, टैपर होता है। तो इसे अगर टैपर करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, अगर हम इनपुट्स में आ जाते हैं तो ये रहा टैपर। इसको मैं रिड्यूस करता हूँ, देखो 1 था, तो इसको जब मैंने रिड्यूस कर दिया तो आपको पता चलेगा कि ये अब एक थ्रेड जैसे शेप में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। मैं इसको आइसोलेट कर लेता हूँ क्विकली। ये जो नीचे का फेस है इस फेस का कोई काम है नहीं, और ये जो ऊपर का फेस है इस फेस को मैं क्विकली एज सिलेक्ट करके फेस सिलेक्ट करके एडिट मेश में आके इसको पोक कर देता हूँ। तो ये पोक होने की वजह से ये सब क्लोज हो जाएंगे एंड में, और ये एज को मैं कर दूंगा बड़ा। ओके इसके फ्रैक्शन को कम करते हैं, इसमें सेगमेंट ऐड कर देंगे। मेरे ख्याल से ये ठीक है, फ्रैक्शन में थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली एंड है थ्रेड का। सो यहाँ पे हमने थ्रेड मॉडल कर लिया है, मैं इसको देखता हूँ तो अब ये रहा हमारा वो शेप। ओके जिससे हम फ्लेम इग्नाइट करेंगे। ओके सो अब ये जो शेप्स है इन सभी शेप्स को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, और इन शेप्स को सिलेक्ट करके सिंपली यहाँ पे मैश में आके मैं कंबाइन कर लेता हूँ ताकि मुझे इन्हें मूव करने में कोई तकलीफ ना हो। दूसरी चीज़, यहाँ पे देखो बहुत सारा इनपुट क्रिएट हो गया है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे हिस्ट्री को डिलीट कर देंगे। बार बार एडिट में जाके हिस्ट्री डिलीट करना मतलब लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम शेल्फ में देखते हैं पॉली मॉडलिंग के, तो यहाँ पे ये जो सेंटर का ऑप्शन है इन तीनों में, तो ये हमारा हिस्ट्री डिलीट करने के लिए। तो यहाँ से हमारी हिस्ट्री डिलीट कर दिए, और मैं इसको नेम कर देता हूँ, ठीक है, कैनन। तो ये रहा हमारा कैनन का बेस, और इसे मुझे ऊपर की तरफ मूव करना है। ओके ये हो गया ऊपर की तरफ मूव, और इसकी हिस्ट्री डिलीट हो गई है। इस कर्व का हमें कोई काम नहीं है तो इसको डिलीट कर देंगे। एंड ये ऊपर की तरफ मूव होने के बाद इसका जो पिवोट पोजीशन है वो मुझे चेंज करना है यहाँ पर। तो मैं डी प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड पे एंड वी प्रेस कर रहा हूँ फॉर स्नैप टू द पॉइंट, एंड मैं इस पॉइंट पे उसे मूव कर देता हूँ ताकि जब मैं इसको फाइनली रोटेट करूँगा ना तो यहाँ से रोटेट करना है मुझे। ओके सो ये हमने क्रिएट कर लिया, अब मुझे इसके व्हील्स बनाने हैं। ओके इमेज देख लेंगे एक बार। तो ये रहा व्हील, अब बेसिक सा व्हील है। यहाँ पे ये पाइप है, ऊपर में एक पाइप है, एंड यहाँ कुछ क्यूब्स लगे हुए। ओके सो इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ क्विकली। अब यहाँ पे हम क्रिएट में आ जाएंगे। क्रिएट में आकर ऑब्वियसली मुझे पाइप क्रिएट करना है, तो मैंने यहाँ से पाइप क्रिएट कर लिया, कुठे गला हाय। ओके और इस पाइप को हमें रोटेट करना है बाय प्रेसिंग एंड होल्डिंग जे ऑन कीबोर्ड, ताकि हम इसको 15 डिग्री के इंटरवल में स्नैप करके इजीली रोटेट कर सके। साइड व्यू में आ जाएंगे। साइड व्यू में आके इसका जो शेप है वो हमें क्रिएट करना है, तो कुछ ऐसा मैं इसको रख रहा हूँ। मुझे इसके थिकनेस पे भी काम करना पड़ेगा ऑब्वियसली, तो इसका जो थिकनेस है उसको मैं यहाँ से देख लेता हूँ, एंड वो कुछ ऐसा रहेगा। एंड इसका जो हाइट है वो भी हमें दबाना पड़ेगा ना, तो इसके हाइट को भी मैं दबा देता हूँ। मैं इधर कर लेता हूँ इसको। साइड व्यू में आके मैं एक बार वापस देख रहा हूँ, तो ये मुझे ऑब्वियसली ग्रिड के ऊपर यहाँ रखना पड़ेगा, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसके ऊपर टायर भी आएगा। तो मैं इसको कुछ इतना रख रहा हूँ, इसको नीचे करते हैं। ओके ये ग्रिड पे प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक हमने पाइप क्रिएट कर लिया। ये जो पाइप है ये पाइप रहेगा हमारा इसका रिंग। अब मैं इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ। ओके और मैं डुप्लीकेट करने के बाद आउटलाइनर में आ जाता हूँ। ओके और ये जो पाइप है इस पाइप को सिलेक्ट करता हूँ जो हमारा ओरिजिनल है जिसपे हिस्ट्री है, ठीक है, और मैं उसको स्केल कर लेता हूँ थोड़ा सा क्योंकि मुझे ऑब्वियसली उसको उसके ऊपर रखना है। तो यहाँ पे मैंने उसके ऊपर इसको रख लिया, और मुझे इसमें हल्का सा थिकनेस एक्स्ट्रा देना है, ठीक है, बहुत ही सॉरी इसकी हाइट हल्की सी ज़्यादा रखनी है। ओके तो यहाँ पे हमने इसकी हाइट को एक्स्ट्रा कर लिया है। अब मुझे इस शेप को पहले तो बेवल करना होगा, तो मैं इसको आइसोलेट कर लेता हूँ। आइसोलेट करके इसके ये जो चार कॉर्नर्स हैं इन चारों को पकड़ेंगे और इनको कर देंगे बेवल, ठीक है।
ठीक है, इसके फ्रैक्शन को रिड्यूस करेंगे, एक सेगमेंट ऐड कर देंगे, ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे और 3 प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे ये रिंग क्रिएट हो जाएगा। अब आइसोलेशन बंद करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे है ना, ऊपर से तो मुझे राउंड ही चाहिए, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और इस एज को सिलेक्ट करूँगा जो इसके साइड के एजेस है, और इन दो एजेस को मैं बेवल करूँगा। ठीक है, इसका जो फ्रैक्शन है उसको हम थोड़ा सा कम करेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे एक सेगमेंट। ऑब्जेक्ट मोड में आके अगर अब मैं देखता हूँ तो यहाँ पे हमने इसका जो टायर का शेप है वो मॉडल कर लिया है, देखो। ठीक है, सो उसके बाद अब मुझे इसमें कुछ वुडन प्लैंक्स लगाने हैं। अगर वुडन प्लैंक्स लगाने हैं तो उससे पहले मुझे एक और शेप क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, वो जो शेप है उस शेप के लिए मैं एक सिलेंडर क्रिएट कर रहा हूँ। सिलेंडर को मैं रोटेट कर लेता हूँ 90 डिग्रीज बाय प्रेसिंग एंड होल्डिंग जे। ओके, और मुझे उसे एग्जैक्टली इसके बीच में प्लेस करना है। अब ये थोड़ा सा टफ काम हो गया है ना, क्योंकि यहाँ पे तो ठीक है, मैंने इसी को डुप्लीकेट कर लिया और जो ओरिजिनल था उसे स्केल कर लिया और उसमें डिविजन चेंज कर लिया, तो वो मेरे लिए आसान था। लेकिन अब यहाँ पे इस सिलेंडर को अगर मुझे एग्जैक्टली इसके सेंटर में मूव करना है तो उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है। अगर हम कंट्रोल ए प्रेस करते हैं एट्रीब्यूट एडिटर में आ जाते हैं। ओके, इसकी हिस्ट्री को मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इसके भी हिस्ट्री को हम डिलीट कर देंगे और इस शेप का मुझे अगर सेंटर में ऑन कर लूँ तो मैं इसको यहाँ पे एग्जैक्टली स्नैप कर सकूँगा। तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पे पाइप के नोड में आता हूँ, ठीक है, ट्रांसफॉर्म नोड में, तो यहाँ पर देखो डिस्प्ले का ऑप्शन होता है। डिस्प्ले में यहाँ पे देखो हैंडल का ऑप्शन, तो अगर मैं हैंडल ऑन कर दूँ तो देखो यहाँ पे हैंडल विजिबल हो गया उसका। अब मैं इस हैंडल को भी सिलेक्ट करूँगा ना तो भी मेरा व्हील सिलेक्ट हो जाएगा। सो अब अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं और वी प्रेस करते हैं कीबोर्ड पे फॉर स्नैप टू पॉइंट, और अगर मैं देखो पहले क्या हुआ था, ये एक्सिस एक्टिवेट था तो उसके वजह से वो एक्स एक्सिस में ट्रांसफॉर्म हुआ। अब क्या, अगर मैं इसको मूव करूँगा वापस एक बार डब्ल्यू प्रेस करूँगा तो वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। एंड अब अगर मैं इसको मूव करूँ तो ये एग्जैक्टली देखो इसके सेंटर में आ गया। ओके, सो हमारा एक काम तो हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको पहले तो स्केल करना होगा क्योंकि ये इतना मोटा तो मुझे चाहिए नहीं। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और यहाँ पे सब डिविजन्स को पहले तो मैं 8 कर देता हूँ क्योंकि ये डिविजन्स ज़्यादा लग रहे हैं। उसके बाद इसको थोड़ा सा मैं स्केल कर रहा हूँ एंड फेसेस में आ जाते हैं। ओके, फेसेस में आने के बाद इन फेसेस को कर दूंगा मैं एक्सट्रूड ऑफसेट में। ठीक है, थोड़ा सा डिज़ाइन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, वापस एक्सट्रूड करेंगे थिकनेस में। ओके, और वापस एक बार मैं इसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ ऑफसेट में। ओके, सो यहाँ पे हमने कुछ ऐसा शेप ले लिया है। और एक और अगर मैं इसको एक्सट्रूड कर दूँ थिकनेस में छोटा सा, तो ऑब्जेक्ट मोड, अब क्या कर सकते हैं, अब इन एजेस को अगर मैं पकड़ूँ और अगर इन एजेस को हम करते हैं बेवेल तो ये होल्ड हो जाएंगे। ओके, इसमें हमें सिर्फ एक सेगमेंट ऐड करना है ऑब्जेक्ट मोड। अब अगर 3 प्रेस कर दे कीबोर्ड पे तो ये जो बेस है ये बेस हमने मॉडल कर लिया। अब सबसे पहले तो मैं इसका जो हैंडल है उसे थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ। एंड अब अगर मैं कीबोर्ड पे 1 प्रेस करूँ, मुझे पता है मुझे यहाँ पे कुछ प्लैंक्स को रखना है, तो अगर उन प्लैंक्स को मुझे रखना है तो यहाँ पे मुझे क्यूब क्रिएट करना होगा। उस क्यूब को भी हमें सेंटर में ही लाना है, तो मैं इसका हैंडल वापस ऑन कर लेता हूँ, इसको सिलेक्ट करते एंड वी प्रेस कर देते। ओके, सो इसको मैं एक सेकेंड के लिए कंट्रोल एच प्रेस करके हाइड कर देता हूँ एंड इसको मैं एग्जैक्ट है कि नहीं चेक कर लेता हूँ। सो ये एग्जैक्टली हुआ है तो मैं इसको शिफ्ट एच प्रेस करके विजिबल कर लेते हैं। ओके, सो इसको मैं थोड़ा ऊपर की तरफ मूव करते ऊपर। इस प्लैंक को मुझे करना होगा स्केल, ओके, शेप में, एंड इसे मुझे वापस स्केल करना है। ओके, सो ये प्रॉपरली इसमें प्लेस हो जाए। अब ये इसके अंदर प्लेस हो गया, अब मुझे इसको बेवल कर लेना है पहले तो, क्योंकि इसके कॉर्नर्स शार्प है। ठीक है, अगर चाहिए तो आप फ्रैक्शन को कम कर लो, इसमें एक सेगमेंट ऐड कर लो। ओके, ऑब्जेक्ट मोड में आ जाओ अब आप। अब यहाँ पे हमारे पास ये प्लैंक है, इसका जो पिवोट पोजीशन है ये सेंटर में है,
मैं अगर इसके पिवोट को यहाँ पे प्लेस कर लूँ, ठीक है, डी प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड पे ताकि मुझे पिवोट मोड मिले, एंड यहाँ पे वी प्रेस कर रहा हूँ फॉर स्नैप टू पॉइंट, और इसे मैं स्नैप कर दूंगा यहाँ पर। अब मेरा पिवोट जो है वो सेंटर में है, ठीक है। अब साइड व्यू में आ जाएंगे, साइड व्यू में आके अगर मैं शिफ्ट डी प्रेस करता हूँ कीबोर्ड पे, ओके, और इसको रोटेट करता हूँ विदाउट सिलेक्शन को रिमूव किए, ओके। सो अगर मैं जे प्रेस करके इसको रोटेट कर लेता हूँ, ठीक है, 1 2, ठीक है, तो कितने डिग्रीज में, -45 में मैंने किया। अब अगर मैं कंटिन्यू शिफ्ट डी प्रेस करूँ तो मुझे वो सेम डिस्टेंस पे मिल जाएगा। क्या किया हमने, देखो मैं वापस बता रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा शेप है, इस शेप को मैंने डुप्लीकेट किया बाय प्रेसिंग शिफ्ट डी। उसका जो पिवोट है पहले हमने मूव कर लिया सेंटर में, उसके बाद मैंने इसको डुप्लीकेट किया बाय प्रेसिंग शिफ्ट डी, देन हमने सिलेक्शन को रिमूव नहीं किया, सिलेक्शन हमने वैसे ही रखा, ठीक है, और फिर मैंने जे प्रेस करके इसको रोटेट कर लिया ताकि ये 15 डिग्रीज के इंटरवल में रोटेट हो जाए। अब पिवोट वहाँ पर होने की वजह से क्या हो रहा है, वो यहाँ से रोटेट हो रहा है सेंटर से, तो वो यहाँ पे हमें सेम गैप दे देगा। अब अगर मैं शिफ्ट डी प्रेस करूँ तो वो डुप्लीकेट भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और हमें एग्जैक्ट शेप मिल जाएगा, ओके। सो हमने यहाँ पे बेसिक सा व्हील क्रिएट कर लिया, मैं इन सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं यूजुअली है ना, देखो अभी हैंडल ऑन होने की वजह से दूसरा कुछ सिलेक्ट नहीं हो रहा है जब मैं ड्रैग कर रहा हूँ, तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो हैंडल है इसको पहले आप ऑफ कर दो, ओके। यूजुअली मैं ग्रुप करना पसंद करता हूँ सब चीज़ों को प्रॉपरली, लेकिन इस सिचुएशन में है ना मैं इसको कंबाइन कर लेता हूँ, बाद में हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, ओके। इसे मैंने कर लिया कंबाइन, इसको मैं 3 प्रेस करता हूँ कीबोर्ड पे, एंड अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसका जो पिवोट है वो तो ऑब्वियसली इसके सेंटर में, अब मुझे ये एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में चाहिए, तो इसको हम शिफ्ट राइट क्लिक कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे मिरर में आ जाता हूँ। मिरर में आके मुझे ये पता है कि मुझे इसको एक्स एक्सिस में मूव करना है, देखो यहाँ पे रेड दिख रहा है बट वो निगेटिव में जाएगा, ठीक है, निगेटिव एक्स में। मैं अगर इसको मिरर कर लूँ तो मुझे सेकेंड व्हील भी मिल जाएगा, ओके। लेकिन मिरर करने से पहले एक और चीज़ है जो मुझे देखनी है, वो ये है कि इसका ये जो शेप है, इस शेप पे भी मैं थोड़ा सा काम कर लूँ। मुझे ये कंप्लीट सिलेक्ट करना है, टैप प्रेस करके मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो ये सभी सिलेक्ट हो जाएंगे, इनको एक्सट्रूड कर रहा हूँ मैं एक बार, ओके, और इसको मैं स्केल कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, और मैं वापस एक बार इसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ, और इसको अब मैं अंदर की तरफ मूव कर रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि मुझे यहाँ पे एक ये लगाना है अपना सिलेंड्रिकल शेप, है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि वो हवा में लटका के रख दिया है हमने। भले ही ये ऑप्शन दिखेगा नहीं, ये एरिया दिखेगा नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पे काम नहीं करेंगे, ठीक है। मैं 3 प्रेस कर रहा हूँ एंड मैं इसको क्विकली मिरर करता हूँ, मुझे पता है सेटिंग्स सेम है, ठीक है, तो ये हो गया मिरर। अब यहाँ पर हमने ये शेप मॉडल कर लिया है, अब मैं सिंपली एक सिलेंडर ले रहा हूँ, सिलेंडर को मैं रोटेट कर लेता हूँ बाय प्रेसिंग चे 90 डिग्रीज, एंड मैं फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ एक बार, और वापस अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ, ठीक है, और अगर इसका हैंडल क्रिएट करूँ तो इसका जो हैंडल है ना वो देखो यहाँ पे मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, मैं इस एक्स एक्सिस को एक्टिवेट करूँगा एंड वी प्रेस करूँगा ताकि ये एग्जैक्टली इस हैंडल पे स्नैप हो जाए, ओके, और हैंडल को मैं अब बंद कर देता हूँ। और अब हैंडल को बंद करने से पहले हमें ये ध्यान में रखना होगा कि ये सिर्फ एक ही एक्सिस में हुआ है, ठीक है, अब मुझे जेड में भी करना है तो मैं जेड में कर देता हूँ। अब मैं हैंडल को बंद कर सकता हूँ, ओके। सो मैं आर प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड पे, इसको मैं स्केल कर लेता हूँ, ठीक है, इसके जो सब डिव्स है उनको हम 8 कर देंगे क्विकली, क्योंकि बाकी सब लोग किया है तो इसको भी लोग ही रखेंगे, ओके, एंड इसको मैं कर देता हूँ स्केल। देखो ये फिक्स हो गया इसमें। अब इसको थोड़ा सा स्केल करने की अगर आपको ज़रूरत लग रही है तो आप कर सकते हैं, ओके। अब इसको आइसोलेट कर लो पहले, क्योंकि इसके जो कॉर्नर्स है ना, इन कॉर्नर्स का हमें कोई काम नहीं है, तो इनको सिलेक्ट कर लो और डिलीट कर दो, आइसोलेशन को कर दो बंद, ऑब्जेक्ट मोड में आ जाओ, 3 प्रेस करो तो ये हो जाएगा स्मूथ, ठीक है। अब अगर मैं वापस एक बार 1 प्रेस करता हूँ एंड एज को सिलेक्ट कर लो,
कंट्रोल राइट क्लिक एज रिंग यूटिलिटीज टू एज रिंग एंड स्प्लिट, और यहाँ पे आके यहाँ पे मल्टी कर दूँ। ओके, तो ये जो शेप है ये हमें यहाँ पे कुछ ऐसा मिल रहा है। मैं इसको थोड़ा और बाहर करता हूँ, इन फेसेस को मैं सिलेक्ट कर लूँगा, एक्सट्रूड कर लेंगे इनको हम, मुझे थोड़ा सा थिकनेस चाहिए सेंटर में। ओके, इन एजेस को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, इनको कर लूँगा मैं बेवल और एक सेगमेंट ऐड कर लूँगा। अब यहाँ पे भी मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लॉन्ग पॉलीगॉन हो जाएगा वो, ये भी बहुत लॉन्ग है और इसको भी, क्योंकि टेक्सचर करते वक्त टेक्सचर स्ट्रेच नहीं होने चाहिए हमारे। ओके, सो ये भी हमें ध्यान रखना होगा एज अ मॉडलर। तो इसको मैं अगर सिलेक्ट करके अब इसके ऊपर प्लेस कर दूँ। ओके, देखो, और हमने ऑलरेडी पिवोट चेंज करके रखा हुआ है। अगर मैं इसको रोटेट कर लूँ ऐसा, ओके, किस एंगल में मुझे चाहिए, तो यहाँ पे हमने इसको मॉडल कर लिया है। ओके, सो एक बेसिक सा कैनन हमने यहाँ पे मॉडल कर लिया है। सो होप आपको वीडियो समझ में आएगा, और अगर आप टाइम पे इतने दूर तक आ गए हो टाइम फ्रेम पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, क्योंकि सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं चैनल पे। सो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसको, एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एनिमेशन एग्रीगेट को। अब आप इसको करके देखो, अगर आपको कुछ डाउट्स होते हैं तो आप मुझे वैसे कमेंट्स में बताओ, तो फिर मैं उस पर रिप्लाई करके अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो वैसे कर सकता हूँ। ओके, सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी मॉडलिंग।